ये आ रहा है हमारा बबलू, और बबलू मेरे साथ बहुत ज्यादा इसका दोस्ताना हो गया है। रुकैया साहिबा, जिन्होंने ये मंडी का आगाज करा है उन खवातीन के लिए जो मंडी नहीं जा पाती। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। भाई आज हम लोग आए हैं जो आप लोगों से वादा करा था हमने कि 8 लोकेशन जो डीसी गवर्नमेंट की तरफ से मुनक्कित की गई हैं उसमें से 3rd लोकेशन पर माशाल्लाह से हम पहुंच गए हैं, और आपको 3rd लोकेशन ऐसी दिखा रहे हैं कि आप लोग भी देख के जो है वो एक हैरान हो जाएंगे। हैरान कुन चीज़ है मेरे हिसाब से, क्योंकि एक बा हिम्मत खवातीन हैं रुकैया साहिबा, जिन्होंने ये मंडी का आगाज़ करा है उन खवातीन के लिए जो मंडी नहीं जा पाती या जिनको शौक है जानवर सेल आउट करने का, परचेजिंग करने का, वो नहीं कर पाते, तो उनके लिए रुकैया साहिबा ने बा हिम्मत होकर खवातीन के लिए ये मंडी का आगाज़ किया है, और बाकायदा ये डीसी गवर्नमेंट से अप्रूव हुई हुई जगह है जहाँ पे गवर्नमेंट ने रुकैया साहिबा को सपोर्ट किया ताकि उन खवातीन के लिए ये एक अच्छा इकदाम हो और वो आए यहाँ पे अपने सबके लिए आपस में एक दूसरे के लिए हौसला अफजाई करें। तो आए आप लोगों को दिखाते हैं रुकैया साहिबा ने जो मंडी मुनक्कित करवाई है खवातीन के लिए। आपको दिख रहा होगा जैसा कि ये बैनर लगा हुआ है, बैनर पे आपको बाकायदा क्लियर वाजा दिख रहा है रुकैया साहिबा की तस्वीर है जानवर के साथ, और नीचे भी लिखा हुआ है डीसी सेंट्रल की तरफ से हासिम भगवान साहब की तरफ से सपोर्ट है इनको, और ये गवर्नमेंट की तीसरी मैंने आप लोगों को लोकेशन दिखाई है। तो आए चलते हैं आपको दिखाते हैं। अच्छा, सबसे अच्छी चीज़ ये सिर्फ खवातीन के लिए, ओनली खवातीन के लिए, तो यहाँ सिर्फ खवातीन आ सकती हैं। अभी इसका आगाज़ तो हो गया है लेकिन अभी कुछ मौसम की वजह से यहाँ पे अभी जानवर बाकी हैं, मतलब कुछ इंटीरियर सीन से यहाँ जानवर आने बाकी हैं, तो वो मौसम की वजह से, वेदर की वजह से रुक गए हैं। रास्ते में हैं कुछ जानवर या वहाँ पे रुके हुए हैं, तो वो इंशाल्लाह आ जाएंगे तो ये मंडी भी फुलफिल हो जाएगी। तो आप लोगों को दिखाते हैं, अभी ज़्यादा जानवर नहीं है, आपको दिखाते भी हैं, अभी कम जानवर हैं, और आपको जो रुकैया साहिब हैं उनका कोशिश करेंगे कि इंटरव्यू भी दिलवाएं और आप लोगों को बताएं कि यहाँ पे रुकैया साहिबा क्या कहती हैं लोगों के लिए, यहाँ के पाकिस्तान की खवातीन के लिए। आएँ आपको दिखाते हैं जो यहाँ पर जानवर मौजूद हैं, माशाल्लाह खूबसूरत जानवर हैं, और रुकैया साहिबा से इतने हिले हुए हैं कि वो खुद माशाल्लाह लेके घूमती हैं और कैटवॉक कराती हैं। आइए दिखाते हैं। ये आ रहा है हमारा बबलू, और बबलू मेरे साथ बहुत ज़्यादा इसका दोस्ताना हो गया है, और आप देख सकते हैं आज ये थोड़ा सा परेशान जा चुके हैं। हाँ, गर्मी से थोड़ा सा परेशानी है। तो देख सकते हैं ये खवातीन की मंडी है, यहाँ पे आज हम पहुँच गए हैं और आपको कैटवॉक भी दिखा रहे हैं। इसका नाम है बबलू, इस जानवर का नाम। आप मुझे बताइएगा ये इनका नाम क्या है, माशाल्लाह बड़े खूबसूरत हैं ये। इसका नाम है बबलू, और आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा बबलू है, इसीलिए हमने इसका नाम रखा है बबलू। और रुकैया फरीद फर्स्ट वुमेन आलमी मवेशी मंडी का आगाज हो गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट हो गई कल रात को, माशाल्लाह बहुत ज्यादा खरीदो फरोख्त हुई है। ये खवातीन के लिए हमने प्लेटफॉर्म दिया है, ऐसी खवातीन जिनका महरम नहीं है, जिनके बाप भाई जो है वो बैरून मुल्क है, वो इस तरीके से महरूम रहती थी, मंडी नहीं जा सकती थी, प्रॉब्लम क्रिएट होती थी, उनके लिए हमने उनके नियरेस्ट जो है वो ये फैमिली राइज मंडी का आगाज कर दिया। आप अपनी फैमिली के साथ आए, बच्चों के साथ, बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर आके, और खवातीन के लिए की बड़ी खुशखबरी है, आपके चैनल के थ्रू हम उनको मैसेज दे रहे हैं कि वो यहाँ आए और अपना कुर्बानी का मनपसंद जानवर खरीदे। इंशाल्लाह ऐसी खवातीन जिनके महरम नहीं है वो तो इससे इस फैसिलिटी को अवेल करेंगी, लेकिन जिनके हस्बैंड हैं वो भी आ रही हैं और वो कह रही हैं इस बार हम अपने हस्बैंड को मनपसंद जानवर खरीद के दिखाएं। इंशाल्लाह, वैसे माशाल्लाह काफी आपसे हिला भाई है जी, तो सारे जानवर हिले हुए हैं कि अगर आप उनको प्यार से ट्रीट करें
तो आपके लिए कोई काम नामुमकिन नहीं। सही। अच्छा, इस मंडी का प्रॉपर आगाज हो गया? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी थोड़ा सा वेदर की वजह से, तूफान की वजह से हमारी ये थोड़ी सी चीजें जो है वो हो रही है, बाकी स्टार्ट हो गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, ये सरीना मोबाइल मार्केट की तरफ से रास्ता आ रहा है, और ये मतलब फैमिली अलाउ है इधर, और फैमिली ही आएगी, जेंट्स अलाउ नहीं है, लड़के आप देख रहे हैं अभी ये कम जानवर आए हुए, लेकिन अभी ये सारे टेंट भर जाएंगे, शाम तक ये थोड़े बहुत आएंगे, अभी ये टेंट खाली है बिल्कुल, अभी तक जानवर आना बाकी है, अभी शुरुआत हुई है इस मंडी की, लेडीज मंडी। स्पेशली ये खवातीन को प्लेटफॉर्म दिया गया है, ऐसी खवातीन जो पूरा साल जानवर पालती हैं गांव देहात में, वहाँ से हम यहाँ के लिए मवेशी मंगा रहे हैं ताकि उनको बेनिफिट मिले। और यहाँ पर भी मैंने बहुत सुना है कि खवातीन जो है वो अपनी छत पर बकरे पाल रही हैं, और डिफरेंट उनके हस्बैंड के, उनके फैमिली के इस तरह के बिजनेस हैं, तो अगर वो खवातीन हमारे पास आकर यहाँ पे स्टॉल लेना चाहती हैं तो मोस्ट वेलकम, उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट होगा, और कुछ स्टॉल्स अवेलेबल हैं ऐसी खवातीन के लिए जो अपने फैमिली बिजनेस को सपोर्ट करना चाह रही हैं, वो आकर हमारे पास बुकिंग करवा सकती हैं, और अपने फैमिली हस्बैंड भाई बाप किसी के भी बिजनेस को प्रमोट कर सकते, मतलब प्राइवेट लोगों के लिए भी अवेलेबल है ना ये, कोई भी आ सकता है। कुछ स्टॉल्स जो हैं वो हमने अवेलेबल किए हैं ताकि कराची की खवातीन को भी ये मौका मिले, गांव देहात की खवातीन को तो हम दे ही रहे हैं ये प्लेटफॉर्म, लेकिन यहाँ की खवातीन के लिए भी हमने फूड स्टॉल्स रखे हैं, वहाँ पे भी आपको खवातीन ही देखने को मिलेंगी, वो यहीं की खवातीन है, तो इस तरह से हम खवातीन को बेसिकली हमारी प्रमोट कर रहे हैं, प्रमोट करना है वुमेन एम्पावरमेंट को और खवातीन को, तो वो हम खवातीन को। भाई, ये गवर्नमेंट की तरफ से और रुकैया साहिबा की तरफ से बहुत अच्छा एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है, मतलब जो सिर्फ लेडीज़ के लिए और फैमिली के लिए, मुझे तो बहुत अच्छा लगा एक माहौल देख के, यहाँ पे फुल प्रूफ सिक्योरिटी का इंतजाम भी किया गया और सिर्फ फैमिली अलाउ है, मतलब फैमिली के साथ आप आ सकते हैं, और जैसे कि रुकैया साहिबा ने बताया कि यहाँ पे अगर आप अपना स्टॉल भी लगाना चाहें, यानी जो खवातीन इंटरेस्टेड हों इस चीज़ के कि उनको काऊ पालना या बकरा वगैरह या पालती हो, वो उनका स्टॉल लगाना चाहें, तो वो यहाँ आके रुकैया साहिबा से रब्ता कर सकती हैं, और यहाँ पे जो बाकी इंतज़ाम हैं सारी डिटेल रुकैया साहिबा आपको बताएंगे। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह से जानवर कैसा है, आप प्यार भी कर सकते हैं, सारे जानवर अच्छे हैं माशाल्लाह से, और ऐसे हैं बस अल्लाह मियाँ की गायें, अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए आए हैं ये सारे जानवर। अच्छा, आप लोगों को लोकेशन बताना भूल गया था मैं, लोकेशन है हारून शॉपिंग सेंटर के बिल्कुल सामने हारून शॉपिंग सेंटर है, हारून शॉपिंग सेंटर के बिल्कुल इस साइड पे अपोजिट ग्रीन लाइन बस स्टॉप भी है, और उसी के सामने ये खाली जगह पे प्लॉट पे ये इन्होंने मुनक्किद किया है, तो माशाल्लाह देख सकते हैं, ये दूसरा वाला भी वहाँ से झाँक रहा है, वो बोल रहा है मुझे भी प्यार करो, तो आप लोग आए हैं यहाँ पे फैमिली के साथ, एनवायरनमेंट भी अच्छा है, सिक्योरिटी भी अच्छी है, और इंशाल्लाह ये भाई ऐसे नागन भी करीब ही है मेरे ख्याल से, दो स्टाफ आ गई है नागन,
दोनों के बीच में रख लें आप, मतलब दोबारा आपको बता देता हूँ, हारून शॉपिंग सेंटर के बिल्कुल अपोजिट ग्रीन लाइन बस का स्टॉप भी है और उसी के सामने ये मुनक्किद की गई है ख्वातीन के लिए मंडी। तो आप लोग फैमिली के साथ आएँ, इजाज़त दीजिए ज़ैब अख्तर को, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।